जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को किस तरह से तैयारी चल के उद्घाटन शुरू होने जा रहा, प्राण प्रतिष्ठा, वो घड़ी वो क्षण आ गया। लेकिन इसी के सामने एक नई खबर और एक नई रुकावट आई है, वो सभी आप जाने। क्या उद्घाटन रुक जाएगा, 12 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये कोर्ट फिर से एक बार कोर्ट में चली गई है ये बात, और फिर से हाई कोर्ट के द्वारा इसका सजेशन किया जाएगा किस तरीके से होना चाहिए या नहीं, तो वो क्षण रुकेगा। कहते हैं पीएम मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कार्य नहीं किया जाना चाहिए, ये तो भाईचारे के बढ़ावे को रोकने की बात हो गई, ये तो पॉलिटिक्स लोग हैं, इन्हें इन कार्यों में नहीं सम्मिलित किया जाए। लेकिन 22 जनवरी को जितनी भी भव्य तैयारी हो चुकी थी और सब ने इतना सहयोग किया, जो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया, और पीएम मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, आदित्यनाथ जी और भी काफ़ी बड़ी हस्तियां थी जो 22 जनवरी को वहां पहुंचने वाली थी, योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने इतनी सारी तैयारी की, सारे सदस्य भक्तों के लिए, उनके अर्थव्यवस्था में काफ़ी चुनौती थी उनके लिए, जो इतनी सारी तैयारियाँ की हैं उन्होंने, क्या अब ऐसा लगता है कि उद्घाटन की डेट टल जाएगी। कहा गया है कि फूस में कोई भी ये भव्य उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, जो 25 जनवरी पूर्णमासी है इससे पहले कुछ नहीं किया जाएगा, जो कि 22 जनवरी 25 जनवरी से पहले पड़ रही है, तो इसमें कोई भी ये हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ है। दिल्ली के एक महापुरुष ने ये याचिका लगाई है हाई कोर्ट में, निवेदन किया है कि इसे रोका जाए। कहते हैं कि इसे रोकने के लिए अब कोर्ट हाई कोर्ट से पता चलेगा कि ये सही है या गलत, उन्हीं के आदेश पर रुका हुआ। कहते हैं भव्य मंदिर का पूरा निर्माण नहीं किया गया है, ऊपर कलश यात्रा नहीं है, जैसे हमारे शरीर में आंखें मुंह पूरा कंप्लीट होता है, वैसे ही भगवान के मंदिर में कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है। कंप्लीट मंदिर होने के बाद कलश स्थापना की जाए, ऊपर कलश विराजमान हो, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है, तो ये असंभव है, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो आप सब भी, हम सब भी मिलकर भगवान से विनय निवेदन करें और आगे अपनी आस्था के साथ भगवान से ये प्रे करें कि ये 22 जनवरी को हो जाए राम।